पर हजारों जो छात्राएं हैं यहाँ पहुँचते हैं और पढ़ाई के लिए पहुँचते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी होने के कारण मदन अहिल्या महाविद्यालय में स्थिति काफी दयनीय है। भागलपुर की नगर क्षेत्र के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में छात्र संघ मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय और नगर क्षेत्र द्वारा महाविद्यालय की प्राचार्य व तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखित आवेदन दिया गया है। छात्र संघ की सचिव आकांक्षा चौधरी के नेतृत्व में एक टीम द्वारा कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात कर उन्हें लिखित आवेदन दिया है। वहीं मौके पर आकांक्षा चौधरी ने कहा कि वर्तमान में कॉलेज में गणित विषय में मात्र एक ही शिक्षक है, जिससे गणित विषय की पढ़ाई में छात्राओं को काफी दिक्कत होती है, जबकि काफी बड़ी संख्या में छात्राएं कॉलेज में नामांकन लेती है। इस मौके पर छात्र संघ की अंजलि कुमारी ने कहा कि कॉलेज में विषयवार शिक्षक नहीं रहने पर ही छात्राएं बाहर जाकर कोचिंग ट्यूशन पढ़ती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ के छात्राओं के परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, फिर भी उन्हें पढ़ाई में मोटी रकम खर्च करना पड़ता है। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय के कुलपति से लिखित आवेदन देकर शिक्षक की कमी को पूरा करने की अविलंब मांग की है। वहीं पूछे जाने पर नगर क्षेत्र मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कुमारी सुदामा यादव ने कहा कि छात्र संघ द्वारा मांग की गई है, इस बाबत भी विश्वविद्यालय को लिखा जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें 5 अतिथि शिक्षक मिले हैं, गणित विषय को भी ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है। वहीं मौके पर छात्र संघ की कई छात्राएं उपस्थित थी। बीएनबी न्यूज के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जिसमें से कि हम लोग 2 साल से छात्र संघ में हैं, हम लोगों ने 2 साल से कितनी बार आवेदन दिया कॉलेज में भी कि हमारे कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, और ख़ास करके गणित के शिक्षक में, जहां यहां पे 3 शिक्षक का जगह है लेकिन यहां सिर्फ एक ही शिक्षक है, जिस वजह से हम लोगों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। तो हम लोग यहाँ से, मैम ने कई बार विश्वविद्यालय में भी लिख कर दिया कि आप यहाँ टीचर भेजा जाए, लेकिन उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। जैसा कि हम लोग ने पिछले दिन 2-3 दिन पहले हम लोगों ने विश्वविद्यालय में भी लिखकर बताया कि हमारे कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, आप कृपया वहाँ भेजें, तो उन्होंने कहा कि आप प्रिंसिपल को बोलिए कि यहाँ लिख कर दें कि उस वहाँ जगह है तो यहाँ से शिक्षक भेजा जाएगा। तो हम आप लोगों के माध्यम से मैम को भी और वहाँ बैठे भीषी मैम सबको भी बताना चाहते हैं कि कृपया यथाशीघ्र हमारे कॉलेज में शिक्षकों को भेजा जाए, जिससे हम सभी छात्राओं का की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। शिक्षकों की कमी खल रही है यहाँ? यहाँ तो शुरू से ही 2 टीचर थे, एक कलाधर सर जिन्हें की जीवी कॉलेज में भेज दिया गया, और वहाँ भी जो शिक्षक हैं उन्हें भी दूसरी जगह भेज दिया गया। शिक्षकों की कमी है, यहाँ कमी होते हुए भी यहाँ के शिक्षकों को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अभी यहाँ पे कितने शिक्षक कार्यरत हैं? एक ही है, गणित में एक ही है। और विषयों में कितने शिक्षक हैं? जैसे फिजिक्स में 3 हो गए, और केमिस्ट्री में तो है ही नहीं टीचर, जो थे बिंदेश्वरी सर उन्हें भी, वो भी रिटायर्ड कर चुके हैं, केमिस्ट्री में तो है ही नहीं। यहाँ पहुँचे हैं हम लोग, हम लोग कॉलेज में शिक्षक को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। शिक्षक की कमी इतनी हो गई है कि हम लोग की कोर्स कभी पूरा ही नहीं हो पा रहा है। 2 पेपर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो 2 पेपर बाहर पढ़ना पड़ता है, इस तरह से हम लोग थोड़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग का रिजल्ट खराब हो जाता है इस भरोसे रहते बाहर पढ़ने के भरोसे, उतना हर स्टूडेंट की स्थिति एक ऐसी नहीं होती है कि वो बाहर जाके पढ़ सके। हम लोग जो इस कॉलेज से आज बाहर निकल के कहीं और भी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ हम लोग का फीस ज़्यादा, मतलब अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो उस अनुसार हम लोग उतना पैसा देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, उसके इस वजह से भी हम लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। आपने प्रिंसिपल महोदया से बात किया, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला है कि कब तक शिक्षक की पूर्ति के लिए लिखेंगे विभागीय? मैम तो बोली हम अभी लिख के भेज देते हैं, बट हम लोग 2 साल से इस पे कार्यरत हैं, अभी तक तो यहाँ एक भी शिक्षक उस मैथ में नहीं आए हुए हैं। जो यहाँ के शिक्षक थे उन्हें भी जीवी कॉलेज भेज दिया गया है, और जीवी कॉलेज के शिक्षक को और सब जगह भेज रहे हैं, दूर दूर भेज रहे हैं। अरे भाई, यहाँ हमारे नवगछिया में जब शिक्षक नहीं है तो उनको यहाँ भेजना चाहिए ना, दूर क्यों दे रहे हैं? यहाँ या तो कोई जीवी कॉलेज के शिक्षक दे या कहीं से भी दे, आखिर यहाँ की स्टूडेंट पढ़ेगी कि नहीं? सिर्फ ऐसे ही स्कूल कॉलेज खोलने से थोड़ी ना काम हो जाता है, स्टूडेंट कहाँ जाएगी अगर कॉलेज नहीं आएगी तो बाहर जाके कैसे पढ़ेगी? इसका फीस कौन उठाएगा? क्या सरकारी स्कूल कॉलेज इसलिए है कि बच्चा बाहर ही जाके पढ़े?
सब दिन अगर शिक्षक की कमी रहेगी तो इस तरह से तो कॉलेज स्कूल के नाम खराब होंगे, रिजल्ट नहीं बन पाएगा, बच्चे के भविष्य से के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो कि सही नहीं है। यहाँ हम लोग चाहते हैं कि इस न्यूज को भी आप लोग बहुत आगे तक फैलाइए, पूरा देश में फैलाइए कि इस तरह की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में जो आ रही है ये समस्या नहीं आए, और जितना हो सके मतलब इसमें इस विषय पे कार्य करते रहे। कि शिक्षकों की काफी कमी चल रही है यहाँ, क्या है पूरा मामला? कमी तो हर जगह है, और हमारी जो माननीय कुलपति महोदया हैं उन्होंने अभी गेस्ट टीचर की बहाली की है, हमारे यहाँ भी शिक्षक दिया गया है, 5 शिक्षक आए हैं विभिन्न सब्जेक्ट में और हैं, आगे भी पूर्ति करेंगी, उनको है जानकारी दिया गया है जिसमें संभव होगा। मांग को लेकर आपने विश्वविद्यालय को क्या लिखा है? बस हमने लिखा है जो इस वस्तु स्थिति है उसको हमने लिखा है। 12 से गाइडलाइन के बाद जो है कॉलेज भी खुल जाएंगे, क्या तैयारी है? हाँ, तैयारी है, सैनिटाइज वगैरह होगा और फिर सफाई भी हो गई है, क्लासेस होंगे, लेकिन विद्यार्थी से पता होना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन करा लिया है वही महाविद्यालय आए, और कोविड के को देखते हुए मास्क लगा कर आए, विद्यार्थी से यही आग्रह है, आप सूचित करें सबको। फिर भी व्यवस्था है, कंपटीशन से लोग आते हैं, गेस्ट टीचर के जो बहाली हुई है उस अनुपात में सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, हो रहा है, सबको मिल गया है। इलाके के छात्रों जो हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनसे क्या अपील करेंगे कि 12 के बाद कैसे आए यहाँ? मैंने कहा ना कि अपना मास्क लगा के आएँ और सैनिटाइज छोटा सा रखें साथ में, वैसे हम लोग भी उपलब्ध कराएंगे, विद्यार्थी को जो आए गेट पर देखेंगे कि यहाँ सैनिटाइज हो वो, और कोविड के संबंध में जितना भी पालन है मानक उसको पालन करे विद्यार्थी,